हेलो फ्रेंड्स, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू माय चैनल ऑफ अमेजिंग वर्ल्ड। अनोखे काम करने में और रिकॉर्ड बनाने में, बल्कि विश्व रिकॉर्ड बनाने में भारत कभी पीछे नहीं रहा है। ऐसा विश्व रिकॉर्ड जिसे एक आदमी ने 9 विश्व रिकॉर्ड यानी 9 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिखा जा चुका है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। हम बता रहे हैं सुशील मेहनती इंसान की स्टोरी, एक आदमी जिसने 9 बार अपना नाम दर्ज कराया है। एक बार नाम लिखा जाए तो दूसरी बार की तैयारी करते थे ये महाशय। इस मेहनती और जिद्दी इंसान का नाम है विनोद कुमार चौधरी। ये चौधरी साहब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। 2014 में नाक से कीबोर्ड पे 46.30 सेकेंड में 103 वर्ड टाइप किए थे, जो खुद में एक रिकॉर्ड बन गया था। और 2016 में एक हाथ से 6.9 सेकेंड में ए से जेड तक यानी ए टू जेड तक का पूरा वाक्य लिख डाला था। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित हुआ। और 2016 में ही अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के 6.71 सेकेंड में ए से जेड तक वर्ड लिख डाले। और 2016 में दो बार नाम लिखा गया था, लेकिन विनोद कुमार चौधरी फिर से कुछ नया करने के सोचा और फिर कर दिखाया। 2017 में अपने मुंह में पेन दबा के कीबोर्ड पे तेज टाइपिंग करने का भी विश्व रिकॉर्ड बना डाला। 2019 में विनोद कुमार चौधरी साहब ने अपने हाथ की एक उंगली से तेज टाइपिंग करने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया। इसी तरह से विनोद कुमार चौधरी साहब का नाम बार बार और यदि 9 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। Keep watching my YouTube channel of Amazing World. Please subscribe and like my YouTube channel of Amazing World.